मैं शंघाई में 10 साल से हूँ। लोग यहाँ पे थोड़े क्योस मचा रहे हैं, कुछ ग्रुप हैं जो ज्यादा क्योरिटिक है, मेडिसिन नहीं है क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी इसको स्टॉकअप कर दिया, अब उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो गई। दैट्स इट, वहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन में ज्यादा है, ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे ज्यादा क्योरिटिक है। ये सुनी सुनाई रिपोर्ट नहीं है बल्कि आंखों देखी गवाही है उस चीन की जो कोरोना के तांडव से त्राहिमाम कर रहा है, जहां अस्पतालों से लेकर क्रिमेटोरियम तक दर्दनाक मंजर पसरा है, जहां बुखार की दवाओं की शॉर्टेज हो गई है, ऑक्सीजन टैंक्स खाली हो गए हैं, ब्लड की कमी है। कोरोना की इस मार से शी जिनपिंग सरकार के हाथ पांव इस कदर फूल गए हैं कि कोविड से जंग में अब सेना उतारने की तैयारी हो रही है। चाइना में डेफिनेटली केओस तो है, कुछ प्रॉब्लम्स जरूर है, मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, बट टेस्टिंग ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन अभी भी वहां पे चल रहा है। उसके अलावा यस, आने जाने के लिए कोई मनाही नहीं है, आप आ जा सकते हैं इजिली, और रिस्ट्रिक्शन जो है वो खत्म कर दिया गया। तो मेन जो है, लोग पैनिक होने की वजह से मेडिसिन स्टॉक करना चाहते हैं अपने पास, कि अगर उनको है भी कोविड का प्रॉब्लम या कोविड नहीं भी है तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल एक अपने मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा रन नहीं कर सकता। चीन में कोरोना के कोहराम का आंखों देखा मंजर बयां कर रहे ये शख्स हैं डॉक्टर संजीव चौबे, जो हाल ही में चीन के शंघाई से लौटे हैं। शंघाई के सुनटेक अस्पताल में करीब 10 साल से काम कर रहे डॉक्टर संजीव चौबे ने टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में कहा कि आने वाले वक्त में मंजर इससे भी डरावना हो सकता है, कोविड का और बुरा दौर आने वाला है। दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स भी यही आशंका जता रहे हैं। इन आशंकाओं की तस्दीक कर रही है चीन से आ रही ऐसी तस्वीरें। अभी चीन में कोरोना से मौतों का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि शवों को अस्पताल, मॉर्चुरी और कोल्ड स्टोरेज से लेकर मस्जिदों और गोदामों तक में रखा जा रहा है। चीन के अस्पतालों में लाश का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरें जियांगसू के वुक्सी के अस्पताल की हैं, जहां डेड बॉडीज रखने की जगह तक नहीं है। दिल दहला देने वाली अगली तस्वीर बीजिंग के न्यू स्ट्रीट के एक मस्जिद की है। बीजिंग के अस्पतालों और मॉर्चुरी में जगह कम पड़ गई तो इन शवों को मस्जिद में रखा गया, क्योंकि क्रेमेटोरियम में भी 20 से 24 घंटे तक वेटिंग चल रही है। बीजिंग में तो आलम ये है कि अब स्टोर किए गए शवों को कंटेनर में रखकर शमशान घाटों तक पहुंचाया जा रहा है। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि बीजिंग में हर रोज ऐसे 10 कंटेनर में डेड बॉडीज को लाया जा रहा है। बीजिंग में शवों को ढोने के लिए कंटेनर कम पड़ रहे तो प्राइवेट कंपनियों के वैन हायर किए जा रहे हैं। बीजिंग के चाओयांग जिंगजियाओ क्रेमेटोरियम पर तो पुलिस का कड़ा पहरा है। यहां खड़ी इन गाड़ियों में शव पड़े हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए 24 घंटे से भी ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहां पे ओल्ड एज पॉपुलेशन में ज्यादा है, जिसकी वजह से पार्शियली जो पिक्चर है कुछ सही है कुछ गलत है। जिससे क्यू बड़े हुई दिख रही है कि लोग मॉर्चरी के सामने जो इलेक्ट्रिक बॉन्डिंग फर्नेस है वहां पे एकदम लंबी क्यू है और वेटिंग दिखा रहे हैं कि 60 डेज 10 डेज। ये थोड़ा बहुत सच है कुछ प्रोविंस में है, लेकिन शंघाई और बीजिंग में तो थोड़ा ज्यादा केओस है, शंघाई में उतना नहीं। कोरोना की नई लहर ने चीन की कमर तोड़ कर रख दी है। चीन का ताजा आंकड़ा डराने वाला है। चीन में इस महीने के शुरुआत में 20 दिनों में देखिए 24 करोड़ 80 लाख केस सामने आ चुके हैं, यानी 20 दिसंबर तक चीन के करीब 17.56% आबादी कोविड संक्रमित हो चुकी थी। मंगलवार को तो यहां एक दिन में सबसे ज्यादा 3 करोड़ 70 लाख केस सामने आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन से लीक हुई रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। पैंडेमिक एक्सपर्ट एरिक फेगल डेंग ने भी शनिवार को दावा किया कि चीन की राजधानी बीजिंग के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन टैंक्स तक नहीं बचे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ये हालात बीजिंग में चीन के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल के हैं। टॉप टियर लेवल 1 अस्पताल होने के बाद भी बेड और ऑक्सीजन की कमी है। अस्पताल के आईसीयू में आने के 15 मिनट में ही मरीज की मौत हो गई है। शहर शहर से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अस्पतालों में जगह नहीं बची तो सड़क किनारे फुटपाथ पर स्टूल पर बैठकर लोगों को ड्रिप चढ़ाए जा रहे हैं। दिन हो या रात, यहां 2400 घंटे कड़ाके की ठंड में कोरोना संक्रमितों का ऐसे ही इलाज हो रहा है।
डरावने हालात की ये तीसरी तस्वीर उत्तरी चीन के तियानजिन के टॉप अस्पताल की है, जहां कोविड मरीजों से पूरा का पूरा अस्पताल भरा पड़ा है। मिड जनवरी तक चीन में कोरोना की इस लहर का पीक आने की आशंका है। लाखों की संख्या में लोग सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी देश में हालात खराब होने से इनकार कर रही है। अस्पतालों की भीड़ और मुर्दा घरों की लाशों को पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है। संक्रमण और मौतों के आंकड़े को चीन कितना भी छिपाने की कोशिश करे, लेकिन हकीकत दुनिया के सामने आ चुकी है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अस्पताल में भारी भीड़ को देखते हुए चीनी सरकार इंटरनेट अस्पताल खोल रही है। इंटरनेट अस्पतालों के जरिए लोगों को स्वास्थ्य से जुड़े सलाह ऑनलाइन दी जाएगी। मरीजों को घर पर ही इलाज के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। इसमें डॉक्टर, मरीज, टेस्ट सेंटर और मेडिसिन स्टोर चारों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। अगर ये तरीका भी फेल रहा और दबाव बढ़ा तो चीनी सरकार सेना की मदद लेने को भी तैयार। साफ है कि चीन में कोरोना बेलगाम हो चुका है। हालात बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना की सुनामी के कारण चीन अब आंकड़े भी छिपा रहा है। कोरोना से हो रही मौतों की असली संख्या को जाहिर नहीं कर रहा। अब तो चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने भी कह दिया है कि वो कोरोना केसेस की जानकारी नहीं देगा। यानी अब चीन की तरफ से नए कोरोना मामलों और संक्रमण से हुई मौतों का डेटा नहीं दिया जाएगा। चीन की तरफ से इस फैसले की वजह भी नहीं बताई गई है। कोरोना से सबसे डरावनी तस्वीर शंघाई से सटे झेजियांग प्रोविंस में है। झेजियांग में हर रोज कोरोना के 10 लाख मामले सामने आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर किंगदाओ शहर है, जहां एक दिन में बीमार होने वालों का आंकड़ा 5,30,000 तक पहुंच गया है। दक्षिणी प्रांत ग्वांगडोंग में डोंगगुआन में हर दिन करीब 3 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो खैर, जस्ट आया ही हूँ तो कॉन्टेक्ट में मैंने देखा है कि मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे बातचीत होती है। वो बोल रहे हैं कि कोविड केसेस हैं, डेफिनेटली हैं, बट इतने ज्यादा लोग यहाँ पे थोड़े क्योस मचा रहे हैं। कुछ ग्रुप हैं जो ज्यादा क्योटिक हैं और वो मेडिसिन बेसिकली स्टॉक करना चाहते हैं। अभी भी शंघाई जो कि फेस ऑफ चाइना है, तो उसके उसमें और भी प्रोविंसेस में उनके प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स सही हैं। कहीं कहीं पे जो थोड़े बहुत जो ऐसे प्रोविंस भी हैं, ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पे हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, वहां पे ज्यादा क्योटिक है। चीन चाहे जितना छिपाए उसकी पोल चीन से आ रही तस्वीरें खोल रही है। उसका कुरियर सिस्टम फेल हो चुका है। सामान वेयर हाउस से लेकर सड़कों पर पड़ा है। सड़कें खाली हैं, सबवे खाली हैं, एयरपोर्ट से लेकर शॉपिंग मॉल सब कुछ खाली है। चाइनीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कोहराम मचा हुआ है। आलम यह है कि कई दफ्तरों में सिर्फ 5% कर्मचारी ही ऑफिस जा पा रहे हैं। ज्यादातर कर्मचारी या तो बीमार हैं या घर से काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। चीन में कोरोना के तांडों की आंखों देखी रिपोर्ट आपने देखी। चीन के झूठ और इन दर्दनाक तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया डरी। सवाल उठने लगे हैं कि क्या चीन में आई ये नई लहर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीरो पर पहुंचा देगी? क्या एक बार फिर कोरोना को फैलाकर चीन पूरी दुनिया को ठप कर देगा? कोरोना की ताजा वर्ल्ड रिपोर्ट क्या कहती है? कहां कहां ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स मचा रहे हैं कहर, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ...2019 की तरह इस बार भी कोरोना बम चीन में फूटा है और ओमिक्रॉन का जो BF.7 वेरिएंट चीन में कोहरा मचा रहा है, वायरस के उसी वेरिएंट का प्रकोप दुनिया के 91 देशों में देखने को मिल रहा है। चीन के पड़ोसी देशों का तो सबसे बुरा हाल है। बीते 24 घंटों की बात करें तो जापान में 1,49,665 कोरोना के नए मामले आए और 306 लोगों की मौत की खबर है। साउथ कोरिया में 58,448 नए केस आए, जबकि 46 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ताइवान में 17,228 लोग संक्रमित हुए, जबकि 24 लोगों की मौत की खबर है। हांगकांग में 21,255 न्यू केस रजिस्टर हुए, जबकि 50 लोगों को जान गंवानी पड़ी। खास बात यह कि सर्दी बढ़ने के साथ कोरोना के आंकड़ों का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में कोरोना की 8वीं लहर आ चुकी है। कमजोर इम्यूनिटी और उस पर बोगस वैक्सीनेशन ने चीन में कोरोना को बेहद खतरनाक कर दिया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के इंफेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट्स प्रोफेसर डॉक्टर स्टुअर्ट कैंपबेल के मुताबिक चीन के पास विशाल आबादी है, लेकिन इम्यूनिटी लिमिटेड है।
इसी वजह से हम चीन में कोरोना के नए वेरिएंट का कहर देख रहे हैं। ओमिक्रॉन में 130 में से 50 वेरिएंट चीन में पाए गए, जो कोरोना विस्फोट की वजह है। चीन और चीनी वैक्सीन यूज करने वाले देशों को छोड़ दें तो दुनिया के ज्यादातर देशों में लोगों के पास महामारी का अनुभव और वैक्सीन का सुरक्षा कवच है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं वो डराने वाला है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है, चीन का मौजूदा कोविड प्रकोप पूरी दुनिया को उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देगा जहां से इस महामारी के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हुई थी, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो चीन में हो रहा है वो वहीं तक सीमित रहे। चीन के हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े लीक होने से दुनिया और ज्यादा सहमी हुई है। तो क्या चीन में आई ये नई लहर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीरो पर पहुंचा देगी? क्या कोरोना के खिलाफ अब तक की लड़ाई बेकार चली जाएगी? कोरोना की नई लहर की वार्निंग लगातार आ रही है, जो अमेरिका, ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका में कोरोना के XBB वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये भी ओमिक्रॉन का ही म्यूटेशन है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो इस हफ्ते देश में आए 18.3% केस XBB वेरिएंट के हैं। फ्रांस में शनिवार को 40,744 नए केस सामने आए और मौत की कोई खबर नहीं है। ब्राजील में 11,921 नए केस और 32 लोगों की मौत की खबर। रूस में 6,986 नए केस तो 54 लोगों की मौत हुई। ऑस्ट्रेलिया में 2,826 नए केस तो 25 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई। मेक्सिको में 8,190 नए केस, 55 लोगों की मौत। कोरोना विस्फोट होते ही चीन अब पुरानी हरकतें दोहराने लगा है। अब तो वो डाटा भी शेयर नहीं करने का ऐलान कर चुका है। इससे डर है कि कहीं दुनिया फिर से ठप ना हो जाए, जैसे 3 साल पहले वुहान में कोविड आउटब्रेक ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया था, जिसके जख्म आज तक दुनिया झेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। न्यू ईयर का काउंटडाउन, कहीं फिर से ना लग जाए लॉकडाउन, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फाइनल एडवाइस मान लेनी चाहिए। कोरोना आए या फिर ना आए, कोरोना पे भीषण रूप में दिखे या ना दिखे, लेकिन इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, वरना नए साल का जश्न भारी पड़ सकता है। आपको पता है चीन में कोरोना कहर बरपा रहा है और ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य सरकारें वायरस से लड़ने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन इन सबके बीच इस लड़ाई को हम सभी को मिलकर लड़ना होगा। मन की बात में प्रधानमंत्री ने आज फिर देशवासियों से अपील की है कि मास्क पहनिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो आइए आपको दिखाते हैं देश में संक्रमण की मौजूदा स्थिति क्या है, लोगों की अलर्टनेस पर अलग अलग शहरों से आई ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने मन की बात में एक बार फिर लोगों को आगाह किया है। पिछले एक हफ्ते में उन्होंने कई बार नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट किया। वो खुद मास्क लगाकर ही पब्लिक प्लेस में आ रहे हैं। संसद में भी सभी को मास्क लगाने की सलाह दी गई है। भले ही हमारे पास हार्ड इम्यूनिटी की शक्ति और वैक्सीन की संजीवनी है, वायरस से लड़ने के लिए हमारी तैयारी भी पक्की है, लेकिन बदलते मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसीलिए सतर्क हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से लॉकडाउन की नौबत आ जाए। भले ही पीएम लोगों को सावधान और सतर्क रहने की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि लोगों में इसका कोई असर हो रहा है। मार्केट और मॉल में भीड़ की ये तस्वीरें देख लीजिए, शायद ही आपको कोई मास्क लगाए नजर आएगा। कोरोना के न्यू वेरिएंट को लेकर किसी के अंदर रत्ती भर भी डर नजर नहीं आ रहा, ये बेफिक्री हमें भारी पड़ सकती है। आप कितना पालन कर रहे हैं नियमों का? सर फिलहाल अभी मैंने आज ही सुना है, लेकिन मैं आज दिल्ली आया हूँ, अभी मैं जाके मार्केट में भी मैं मास्क लेना जाऊंगा, अभी मास्क लेकर लगाऊंगा मास्क को, लेकिन अभी मैं लगा नहीं पाया मास्क। कोरोना का खतरा टला नहीं है, ये बात हमें समझनी होगी। या तो पीएम की सलाह पर गौर करिए या फिर चीन जैसी हालत के लिए तैयार रहिए। याद रखिए, ना तो हम लॉकडाउन की पाबंदी झेल सकते हैं, ना ही फिर से कोरोना वायरस की तबाही। अगर लॉकडाउन लगा तो बिजनेस ठप हो जाएगा, अगर संक्रमण फैला तो जान पर भारी पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि खूनी वायरस ना तो कभी गया था और ना ही जाएगा। डेल्टा वेरिएंट का कहर पूरा देश झेल चुका है और इसके बावजूद लोग लापरवाह दिख रहे हैं। वायरस के खिलाफ लड़ाई हमें मिलकर लड़नी होगी। कोरोना महामारी न फैले उसको लिए सतर्कता बरतना हमने चालू कर दिया है। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग,
बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को आरटीपीसीआर कंपलसरी करेंगे। क्या भारत में आने वाली है कोरोना की नई लहर? क्या अगले 7 दिन तय करेंगे लॉकडाउन लगेगा या नहीं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह समझ लीजिए। दरअसल ये छुट्टियों का टाइम है, नए साल में लोगों ने घूमने फिरने और एंजॉय करने का प्लान बना लिया। ऐसे में मॉल मार्केट और टूरिस्ट प्लेस में जमकर भीड़ होगी, लिहाजा कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। अगर हमने 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी की सीख याद नहीं रखी तो हालात बिगड़ सकते हैं। मास्क पहनना जरूरी है, जो आप मास्क पहनना जरूरी है। अभी कोरोना आ गया तो आप किस तरह से उसे कंट्रोल में करेंगे? अभी मास्क लाए नहीं है साथ में, सब लोग यूज करेंगे। पता चल गया अभी मास्क पहनेंगे। अच्छा, तो जैसे कि आपने सुना, लोग ये बात कह रहे हैं कि मास्क पहनना जरूरी है लेकिन लोगों ने मास्क नहीं पहनना है। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। अभी ये शुरुआत हुई है, पार्टियों का समय है, ठंड है, जैसे हमें पता है कि ठंड में कोरोना बढ़ता है, लेकिन इन सारी चीज़ों में लोगों को पता है कि कोरोना आ चुका है लेकिन उसी के साथ साथ मास्क पहनने के लिए जो मैंडेटरी कहा गया है वो लोग अभी फिलहाल इस चीज़ को मुंबई में फॉलो नहीं कर रहे हैं। संक्रमण का भयानक दौर हम देख चुके हैं, चीन में इस वक्त लाशों का ढेर लगा है, इसके बावजूद हम लापरवाह बने हैं जैसे सारी जिम्मेदारी सरकार की है। हम आपको दिखाएंगे कि केंद्र और राज्य सरकारें न्यू वेरिएंट BF7 को लेकर कितनी सतर्क है और अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं। लेकिन पहले देख लीजिए कि देश में कोरोना संक्रमण की तस्वीर क्या है। पिछले 24 घंटे में 227 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 23 दिसंबर को 163 नए मामले सामने आए थे। पहले हर दिन में 150 से 200 नए मामले आ रहे थे। देश में इस वक्त कुल सक्रिय मामले 3,424 है। 24 घंटों में एक्टिव केसों में 27 की बढ़ोतरी हुई। राज्यों की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा 1,410 सक्रिय मामले हैं, जबकि कर्नाटक में सक्रिय मामलों की संख्या 1,241 है। महाराष्ट्र में 136, ओडिशा में 101 और राजस्थान में 83 सक्रिय मामले हैं। देश में हालात पूरी तरह कंट्रोल में है। चीन में मिले BF7 वेरिएंट से संक्रमित 4 मरीज भारत में मिल चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि चिंता की कोई बात नहीं। हालांकि अगले 1-2 हफ्ते बेहद अहम है, क्योंकि नए साल से पहले हर तरफ भीड़ और जश्न की तस्वीरें दिख रही हैं। कोविड फिर से अगर ऐसा होता है, जो कोविड का प्रकोप है, तो जरूरी है मास्क पहनना है। मास्क पहनने से अपना खुद का सुरक्षा है, जरूरी है मास्क पहनना। अगर हमें ऊपर से संदेश मिलता है जो मास्क पहनना है, तो अनिवार्य है मास्क पहनना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक BF7 वेरिएंट से इन्फेक्शन फैलने का खतरा डेल्टा से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन इसकी मारक क्षमता काफी कम है। चीन, जापान और अमेरिका के हालात को देखते हुए सरकार सतर्क है और लोगों से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील कर रही है, लेकिन मार्केट और मॉल की तस्वीरें बताती हैं कि लोग डेल्टा का कहर भूल चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने कोरोना के न्यू वेरिएंट से निपटने की क्या तैयारी की है। गुरुवार को पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों और स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में पीएम ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की, जीनोम सिक्वेंसिंग और कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा, अफसरों को खासतौर पर हवाई अड्डों पर चल रहे सर्विलांस मेजर्स को मजबूत करने के निर्देश दिए, बीमारों और बुजुर्गों से बूस्टर डोज लेने की अपील की, राज्यों को हर स्तर पर कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने को कहा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया। दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की मॉनिटरिंग चल रही है, एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। पीएम के निर्देश के बाद राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं। यूपी के सीएम योगी ने सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग को कोरोना से निपटने की तैयारियों के निर्देश दिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि हमारी तैयारी भी पक्की है। दिल्ली में BF.7 का एक भी केस नहीं मिला है, सो अभी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो 0 पर पहुंच गया, लेकिन हम लोग जांच एकदम कंटिन्यूअस करवा रहे हैं। समझ लीजिए 20 जब से शुरू हुआ है तो बिहार में एकदम अलर्टनेस। यूपी सरकार ने अस्पतालों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने भी पब, बार, रेस्टोरेंट, मॉल, कार्यालयों, बसों और ट्रेनों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। नए साल में भीड़ को देखते हुए शिरडी के साईं मंदिर में मास्क जरूरी कर दिया गया। नए साल के जश्न को देखते हुए सभी राज्य अलर्ट पर है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है, लेकिन आम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं दिख रहे। एहतियात बरत रहे हैं आप लोग? अभी तो फिलहाल गाइडलाइन नहीं आई है, तो उसका इंतजार किया जा रहा है। आ गई है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, जो पुराना वाला दूसरा दौर आ रहा है ना। हाँ वो तो सही है, लेकिन एक बार गाइडलाइन आ जाएगी ना, जैसे कि पूरा आ जाएगा तो हम लोग भी मास्क पहनना, 2 गज दूरी, मतलब फोर्सफुली जब तक लागू नहीं होगा। ये सही भारत है ना, जैसे फिर भी हमें जागरूक रहना चाहिए ना, हम लोग तो यूथ हैं। हम भारत के युवा।
अच्छा छुट्टियां अब सर्दी की शुरू हो गई है तो बड़ा मुश्किल नहीं हो गया कि कोविड के नियमों के बीच अब ये छुट्टियां भी हैं तो कैसे आदमी हो गया निडर। सेकेंड वेव में देखे हैं सरकार उतनी व्यवस्था कर नहीं पा रही थी, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, अब देखिए इस बार क्या व्यवस्था करती है सरकार। लेकिन इस बार हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि पहले की गलतियों से हम लोग भी सबक अपनी सीख लेने सीख मिल चुकी है हम लोग को। हमें सरकार के निर्देशों और पीएम मोदी की अपील को ध्यान में रखना होगा, कोविड गाइडलाइन फॉलो करनी होगी, कहीं ऐसा न हो कि एक बार फिर लॉकडाउन की नौबत आ जाए। नए साल का जश्न मनाए लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स नाउ भारत।